दोस्तों फाइनली आज किस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं, जो भी यूनिवर्सिटी व कॉलेज के बीएससी बीकॉम के जो छात्र हैं उनकी परीक्षा रिजल्ट से जुड़ी जो आज की लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है उसके बारे में से अलग अलग यूनिवर्सिटी से अलग अलग अपडेट्स हैं जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करिए जिससे आप लोगों को सटीक जानकारी मिल सके। वीडियो में आगे बढ़ेंगे इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिया करिए, आप लोगों का अपना ही चैनल है, आपको परीक्षा से जुड़ी परिडे आपको इस चैनल पर अपडेट मिलती रहेंगी। ठीक है, आप लोग समझदार एक्सपर्ट है, खुद ही जानते हैं किसको सब्सक्राइब करना है किसको नहीं करना है, आप लोग के अंडर में है तो आप लोग खुद ही समझदार है। फिलहाल आज की पहली बड़ी अपडेट की बात करें तो आ रही मेरठ से, यानी कि CCSU यानी कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। मामला क्या समझते हैं, लिखा है कि CCU की 20 जुलाई से 27 जुलाई की परीक्षा स्थगित, कांवड़ यात्रा की वजह से विश्वविद्यालय ने फैसला लिया है। यानी कि जो भी CCSU में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में 20 जुलाई से 27 जुलाई के मध्य जो परीक्षाएं हो रही थी वो परीक्षाएं अब स्थगित कर दी गई हैं। स्थगित इस वजह से की हैं कि कांवड़ यात्रा निकलेगी, उसमें भीड़ भाड़ की काफ़ी ज़्यादा संभावना है, तो इस वजह से प्रशासन ने निर्णय लिया है कि इस बीच की परीक्षाएं स्थगित कराए जाएंगे। पुनः जब फिर से जब एग्ज़ाम का शेड्यूल बनेगा तो फिर से 27 जुलाई के बाद आप सभी की परीक्षाएँ नेक्स्ट डेट में कराई जाएंगी। जैसे भी आएगा नेक्स्ट टाइम टेबल हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे, इसलिए चैनल से जुड़े रहिएगा, यहाँ पर पूरी अपडेट आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ओके। अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसी में है। ठीक है, इन्होंने स्थगित कर दिया है और इन्होंने कहा कि नई जो डेट है जल्दी घोषित करेंगे, हम आपको इन्फॉर्मेशन करेंगे। अगली बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है आगरा यूनिवर्सिटी से। इसमें लिखा है कि नो ड्यूज के बाद घोषित होंगे परिणाम। मामला क्या है यहाँ पर देखते हैं। विश्वविद्यालय जनसंपर्क अधिकारी प्रोफेसर प्रदीप श्रीधर को कहना है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय से समृद्ध अलीगढ़ मंडल के कॉलेजों के प्रथम सेमेस्टर के परिणाम नो ड्यूज उपलब्ध कराने के बाद ही दिया जाएगा। द्वितीय सेमेस्टर का परीक्षा भाम अलीगढ़ राज्य विश्वविद्यालय की ओर से ही भरवाया जाएगा। यानी कि जिन भी छात्रों ने नो ड्यूज यानी कि फीस नहीं कम्प्लीट की है उनका रिजल्ट नहीं घोषित किया जाएगा। ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है यूनिवर्सिटी के माध्यम से और द्वितीय सेमेस्टर की जो परीक्षा देनी उसके लिए फॉर्म भी यूनिवर्सिटी से ही भरवाया जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, नो ड्यूज क्लियर करने के बाद आएगा। ठीक है, तो फिलहाल आपको जानकारी हो गई। ठीक है, और यूनिवर्सिटी जैसे कि राजस्थान और अवध यूनिवर्सिटी ने भी कुछ छात्रों का रिजल्ट घोषित किया है। जैसे भी अन्य छात्रों का रिजल्ट घोषित करते हैं, बीकॉम का जारी किया है और बीएससी बीए वालों को बचा उनका भी आएगा, हम आपको इन्फॉर्मेशन कर देंगे। और राजस्थान का ही जल्द ही आने वाला है रिजल्ट, जैसे भी आएगा हम आपको इन्फॉर्मेशन कर देंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतनी ही बड़ी अपडेट, आपको मिलेंगे और भी वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।